कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपीशा गोपिका कंतु राधा कंतु नमस्ते ताप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणवामि हरिते वृंदाय तुलसीदत्तये प्रियाय सच कृष्ण भक्ति प्रदे देवी शतवत्तये नमो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे भक्त गोष्ठी सहित गौरांग जय जय सुनिल चैतन्य कथा भक्ति सर्वाज्ञ अस्मदीय गुरुपाद पद्म परम करुणामय निखिलापृष्ट ओम विष्णुपाद स्तुत श्री श्रीमान भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी महाराज श्री चरण कमल के दास श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला विंश परिच्छेद काल हम लोग श्रवण किया पिताजी हम लोग के लिए अर्थात अपना पुत्र कन्या के लेकर संपद राख देते और संपद प्राप्ति करने के लिए हमारा थोड़ा चेष्टा करना पड़ता है और संपद है कृष्ण वस्तु एक शब्द है और अवस्तु एक शब्द है तो वस्तु शब्द कृष्ण कृष्ण प्रेम वस्तु शब्द क्या है कृष्ण कृष्ण प्रेम और कृष्ण नाम कीर्तनी है वस्तु तो काम हम लोग श्रवण किया भगवान को संतुष्ट करने के लिए ज्यादा निकल में होने से महागंड बहुत लोग सुनते हैं हाँ बाहर में एक पूरा इंडिया तो सही था नहीं नजदीक में होने से वो सफाई होता है वो बोला है इसलिए माइक में होने से साफ नहीं होता ना इसलिए थोड़ा दूर पर अच्छा होगा क्यों ये पूरा बंद रहता है ना हाँ ये पूरा माइक हो गया अतएव भक्ति कृष्ण प्राप्तिर उपाय अभिदेव बलितारे सर्वशास्त्री गाय तो कृष्ण पाने के लिए उपाय एक है
दस बीस उपाय नहीं है, और वो उपाय है भोग। धन पाइले जैसे सुख भोग फल पाए, सुख भोग होइले दुख अपनी पलाए। तो जब धन संपद लाभ हो जाता है तो उसको भोग में सुख आता है, और सुख जब आ जाता है तो दुख को तू जा बोलना नहीं पड़ता है, वो ऐसा ही भाग जाता है। तो इसलिए दुख भागाने की चेष्टा करने का प्रयोजन नहीं है, सुख आएगा कैसा उसका चेष्टा करना चाहिए। तो वेदांत सूत्र में कहा गया आनंदमय उपभाषात, आनंदमय उपभाषात, आनंदमय उपभाषात। तो उपभाष करना पड़ेगा, बोले क्या उपभाष करे ना, हम लोग सुबह से शाम तक ये जगत का कथा बोलता है, कई स्टडी हो, कोई संपत्ति हो, कई पति पत्नी हो, किसी का संपर्क हो, तो सब ये जगत का बात है। हाँ। तो इसमें वो जो है ये जगत का बाद में परिणाम क्या होता है, दुख। और आनंदमय उपभाषा, तो आनंदमय कौन है, कृष्ण। हमारा परम गुरु जी नित्यला कृष्ण ओम विष्णुपाद अष्ट शिशुमाद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज तो बोलते हैं, जो मान लो एक चीनी का मूर्ति है, तो चीनी का जो मूर्ति होता है उसका पेड़ में तुम जीवा लगाए तो मीठा लगेगा, और शीर में लगाए तो मीठा लगेगा, वो जहां तुम लगाओ तो उस हर जगह मीठा है। तो आनंदमय जो भगवान है, आनंद नव गण रूप, तो आनंद घनीभूत रूप है भगवान का। इसलिए भगवान का जहां स्पर्श करे तो वहां से आनंद निकले, आंख में देखे तो आनंद आ जाए। एक कीर्तन में लिखा है, बोले आंख बंद करके रहो नहीं, मत जाओ उसका पास। किसका पास, न गोविंद का पास। एक बार जाए तो, और आंख में आंख लग जाए तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाए। बोले क्या सर्वनाश होगा, न संसार का आसक्ति नष्ट हो जाए। संसार का बंधु बांधव, लड़का लड़की पति पत्नी लेकर आनंद करना है तो गोविंद का पास मत जाओ। बंधु संगे यदि तब रंग परिहास, मने थाके अभिलाष, मने थाके अभिलाष। तो बंधु बांधव का लेकर मस्ती रहने का इच्छा है तो मत जाओ। कहाँ, न वृंदावन में मत जाओ।
और वृंदावन में केसर घाट में गोविंद है वहां मत जा। तथायो आछे न हरि गोविंद विग्रह धरी तार नयने बंकिम दृष्टि मुखे मंद हास बंधु संगे यदि तब रंग परिहास। तो गोविंद विराज करता है और नयन में टेरची भाव से ताकत है, सीधा नहीं था, और मुंह में मधु मुस्कान है, हसितांग मधुर। तो चैतन्य चरितमृत में कहा गया है कृष्ण दर्शन बिना नेत्रेर फल नहीं आन, जे जन कृष्ण हरे सही भाग्यवान। तो नेत्र का आसली फल क्या है? कृष्ण दर्शन का। तो इसलिए आनंद पाना है तो कृष्ण दर्शन का, गोविंद दर्शन का ये बोलना है। तो यहां बोलते हैं जब कृष्ण सेवा करने का कोई भाग्य में ऐसा भाव उदय हो जाए किसी का, तो उसका दुख सब दूर हो जाता है। तो इसे भक्ति पाले कृष्ण प्रेम उपजाय, प्रेमे कृष्णा साथ होइले भवनाश हाय। यहां चैतन्य महाप्रभु बड़ा रहस्य भाव से जो गूढ़ अर्थ है शास्त्र का ये प्रकाश किया है। क्या बोला? ना कृष्ण भक्ति करते करते जब प्रेम किसी का हृदय में उदय तो हो जाता है, और प्रेम से कृष्ण का जो सेवा आनंद है वो जब उसको अनुभव होता है तब उसका संसार दोष नाश हो जाता है। जितना दिन अनुभव नहीं होगा तो आस्वाद तो नहीं होगा, और आस्वाद नहीं होने से संसार तो नहीं जाएगा। इसलिए बहुत लोग है बहुत दिन तक पाठ कीर्तन सुनता है करता है लेकिन आस्वादन का भाग को नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा तो जो प्रेम का रस एक बार किसी का आस्वादन करने का ताकत आ जाए तो वो संसार का रस बेकार माने। इसलिए हम लोग का आलोचना करना है बिल्लमंगल ठाकुर का जीवन। बिल्लमंगल ठाकुर रूप का उपासक, तो बिल्लमंगल ठाकुर जहां उनका मकान है दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत हाँ, उसका वहां एक नदी है
और नदी का उपार में रहता है एक सुंदरी, चिंतामणी उसका नाम है और बार बनीता है, लेकिन इतना सुंदर दिखने का है तो बिल्लमंगल ठाकुर हर दिन जाता है उसका पास उसका देखने। तो एक दिन क्या हुआ, बिल्लमंगल ठाकुर का पिता का वास्तविक काम था, बहुत लोग आया और सब करते करते रात हो गया, फिर तो जाना पड़ेगा। चिंतामणि को तो एक बार दिन में कम से कम दर्शन करना ही चाहिए, ऐसा सोच करके जब रात 12 बज गया, नदी किनारे गया तो नाव तो नहीं है, इतना रात में रहेगा तो चल गया। तो ये मरा सड़ा हुआ शरीर भाषते भाषते आ रहा है और बिल्लमंगल ठाकुर सोचता ये चिंतामणि ने हमारा लिए ये लाठी भेज दिया और उसका ऊपर उठ करके नदी पार होकर फिर आएगा, इसलिए वो जो मुरा हुआ जो शरीर है बॉडी उसको पानी से ऊपर खींच के रख कर चिंतामणि का वहां चल गया। चिंतामणि सोचा आज तो प्रभु आएगा नहीं ठाकुर, इतना रात हो गया उसका घर में तो भंडार है, वो लोग सब सो गया, उसका कर्मचारी सब सो गया। तो बिल्लमंगल ठाकुर जाकर दो एक बार चिल्लाया तो कोई दर्जा खुला नहीं, तो वाल का चारी ओर घूमने घूमने देखा एक धार में वो रोशी पड़ा हुआ है, मोटा रोशी लटक रही है। हाँ लटक रहे, तो वो रोशी धर के वाल पार हुआ। वो तो था एक सांप, लेकिन प्रेम में इतना तन्मय हो जाता है कि क्या है ये नहीं देखता, और उपार जी जब पड़ा तो धुपकर शब्द हुआ सही गिर गया। तब चिंतामणि ने उठा और दासी को बोला देखो तो शब्द क्यों हुआ, तो पहले पहले तो कारण नहीं था, जो इतना आलो है स्विच टिपने से होगा, छोटा छोटा लंटन है एक लेकर देखा जाकर बोले तो ठाकुर आ गया, ठाकुर इल्लमंगल ठाकुर। तो जाकर देखा चिंतामणि बड़ा दुर्गंध आ रहा है उसका शरीर से, बोला ठाकुर तुम नदी कैसे पार हुआ, बोला तुम जो लकड़ी भेजा था उसने पार हो गया, बोला हम भेजा, बोला हाँ अच्छा तो तुम्हारा शरीर से इतना गंध क्यों, बोला हमारा तो कुछ नहीं लग रहा है, बोला चलो और लाकड़ी राख का है, बोला हाँ चलो गया, ये देखा लाकड़ी तो नहीं है। दूसरे गांव में ऐसा एक बार बुनी था, उम्र हो गया मर गया, लेकिन वहां का आदमी वो पापिनी बोल करके उसका कोई पर्श नहीं किया, तब जब सड़ गया बड़ा गंद हुआ कीड़ा हो गया तो सरकार का पास खबर गया, तो सरकारी लोग आकर उसका पेड़ में रस्सी बांध करके खींच के पानी में गिरा और बिल्लमंगल ठाकुर उसमें चढ़ गया। तो चिंतामणि ने बोला प्रभु हे ठाकुर देखा तुम किस में आया और कैसा गंध है इसमें, आज तुम एक गंध में आ गया, क्यों आया बताओ। बोले तुमको देखने के लिए, तुझको देखना हमारा बड़ा अच्छा लगता है। बोले देखा प्रभु
कुछ दिन बाद हमारा भी यही दशा होगा। तो इसलिए आपको सुंदर अच्छा लगता है, सुंदरी अच्छा लगता है, बोला हाँ। तो सब चीजें सुंदर है ना, वो है श्याम सुंदर, उसको देखने के लिए तुम चेष्टा करो। बोले अरे तो भगवान, बोले जितना प्रीति हमारा पति है तुम्हारा, इसका हाफ होने से भगवान तुम्हारा पास आ जाएगा। बोले आएगा, बोले जरूर आएगा, ठीक है। छोड़ दिया चिंतामणि का, वहां से निकाल गया, उसका घर में और गया नहीं, अपना घर में भी गया नहीं। बोले हम चलेगा वृंदावन, करेगा श्याम सुंदर दर्शन। ये बोलते बोलते आया तो स्वभाव छाड़ते नारे देवेर शक, जिसका जो स्वभाव है ना जल्दी नहीं जाता है। आते आते दो चार दिन हो गया, तो एक दिन देखा वो माताजी लोग कुआं में पानी भरने के लिए जा रहा है, उसमें एक माताजी को बड़ा सुंदर देखता है, बड़ा सुंदरी है, हरी नैनी है और पेड़ और हर बड़ा सुंदर है, देख करके उसका पीछे पड़ गया। बोले तो बड़ा सुंदरी है, चलो इसका पीछे, उसका पीछे पीछे उसका घर तक गया। वो तो देखता है भाई ये तो ब्राह्मण हमारा पीछे क्यों पड़ गया। वो जल्दी जल्दी घर में घुस करके दर्जा बंद कर दिया। तो ठाकुर ने वहां बैठ गया, आधा घंटा बाद उसका पोती आया, आकर देखा ब्राह्मण दर्जा में बैठा है, वो प्रणाम किया और बोला ब्राह्मण ठाकुर आइए आइए, बोल के भीतर में लेकर बैठाया आराम से। और बोले ब्राह्मण ठाकुर हमारा वंश का ऐसा ही नियम है, हमारा पूर्वज ऐसा ही सेवा करता है, कोई कोई ब्राह्मण हमारा घर से विमुख नहीं होता है। बोलिए आपको क्या चाहिए। बोले हम जो चाहेगा दो वो दोगे तुम। बोले हाँ हमारा वंश में ऐसा ही है, ब्राह्मण सेवा हम लोग करते हैं। बोले ठीक है, राजी है, बोलो हम जो चाहेगा। बोला अरे ठाकुर क्यों नहीं विश्वास कर रहे हैं, हम तो हाँ बोल दिया। बोले अच्छा तुम्हारा शादी का समय फूल सज्जा हुआ था। बोला हाँ। तो एक घर ऐसा ही सुंदर करके सजाओ फूल सज्जा का मतलब, और ये जो पानी भरने के लिए गया था कौन है। बोलो हमारा औरत है। बोले उसको अच्छे से सजाओ, शादी का दिन जैसा सजा था। और हम उस फुलसज्जा घर में उसका साथ रहूंगा रात में एक रात, राजी है। बोले वाह ये क्या चाहता है, ये कैसा ब्राह्मण है जी। बोले हम तो राजी है, लेकिन हमारा पत्नी को तो पूछना ही पड़ेगा वो राजी है कि नहीं। बोले देखो तुम तो पहले हाँ बोल दिया। बोला हम तो हाँ बोला है ठाकुर, तुम यहाँ रहो, हम थोड़ा अंदर में जाता हूँ। अंदर में गया और उसका पत्नी को बोला यही व्यापार है भाई, हम तो हाँ बोल दिया और ये चाह रहा है। बोले आप उसको घुसाया क्यों, वो तो पीछे पड़ गया कुआं से पानी आते गया था, हम तो इसलिए दर्जा बंद कर दिया था, उन्हें घुसेगा आप घुसा दिया और इसे बोल दिया राजी हो गया। तुम क्या पुरुष है, तुम्हारा साथ क्यों हमारा पिताजी शादी दिया। रास्ते से कोई आदमी आएगा और हमारा साथ वो बोलेगा तो तुम पति कैसे पति है, राजी हो जाता है। तो बोले रे ये ब्राह्मण है ना, तो ब्राह्मण सेवा ऐसा बोल बोल करके वो बहुत समझाया। और क्या करेगा पति का बीच है, राजी हो गया। तब आदमी बुलाया और सुंदर से घर सजाया, और उसका औरत का भी सुंदर सजाया, सजा करके बिल्लमंगल ठाकुर को बुलाया और बिल्लमंगल ठाकुर को सुंदर सजा दिया। तब बिल्लमंगल ठाकुर जब सजा और फूल सज्जा घर में गया
तब चिंता करता है। चिंता मणि ने हमको बोला कृष्ण चिंता करने के लिए, कृष्ण आ जाएगा हमारे पास। तो हम रास्ता में आकर ये गौरव देखा तो उसके पीछे पड़ गया, कृष्ण की इच्छा है। तो ये कौन किस से हमारा ऐसा हुआ, ये आंख से होता है। ये आंख हमारा नरक ले जा रहा है, ये आंख नष्ट करना पड़ेगा। ये बोल करके जब औरत ने आया तो बोले हमारा लिए पीने का पानी लिया, और जा रहा है पानी में, बोले सुनो सुनो तो क्या है ना, तुम्हारा जो बाल में वो ऐसा ऐसा देता है कांटा बोलता है, तो वो दो हमको दो। तो बोला ठाकुर ये क्या करेगा, बोला आज तो हम क्या करेगा नहीं करेगा ये तुम्हारा बोलने का अधिकार नहीं, हम जो बोलेगा तुम्हारा वही करना पड़ेगा। बोला ठीक है, तो दे दिया। और वो पानी आने के लिए जब किया, पानी लेकर आया, इसका अंदर क्या कर दिया बिल्लमोर ठाकुर ने, बोले तुम हमारा कृष्ण पाने का वादी हो रहा है ना, चक्षु तुमको हम विदाय कर देता हूं हमसे। ये बोल करके दो आंख में दो कांटा घुसा दिया और खून निकालने लगा। वो औरत आकर देखा खून निकलता है, क्या हो गया, वो चिल्लाया तो उसका स्वामी और दूसरे दूसरे आदमी आ गया, क्या हुआ क्या हुआ। बोले ये देखो क्या कर दिया ठाकुर ने, बोला ठाकुर ने किया ना, तू कर दिया। बोला नहीं हम नहीं किया ठाकुर, खुद किया, ऐसे ऐसे बात। तब सब लोग हाथ जोड़ लिया और बोला क्या किया ठाकुर जी, क्या हो गया बोलो। बोले अरे भाई कुछ नहीं है, तुम लोग का कुछ दोष नहीं है, कुछ नहीं है, हमारा इच्छा है, हम किया है बस। वहां से फिर निकल पड़ा और चल नहीं सकता है, देख नहीं पाता है कैसे चले, गिर जाता है, फिर उठता है, फिर चलता है। और हे कृष्णा, हे कृष्णा, प्रभु हे मोरे दाओ दर्शन दिया, दर्शन राखे जीवन तब पद लोइनु शरण, दर्शन। ऐसा रोते रोते चल रहा है, गिर रहा है, उठ रहा है, तो ठाकुर जी तो दयालु है, भक्त वत्सल है, तो कृष्ण ने सोचा देखो हमारा लिए वो अपना आंख भी नष्ट कर दिया, धन संपद छोड़ दिया, बड़ा धनी का लड़का है, चिंतामणि को छोड़ दिया, यहाँ रोड में एक मिला था वो भी छोड़ दिया, और गिरता है और चलता है, क्या करूं, वृंदावन तक तो ले जाना पड़ेगा। ताई आ गया कृष्ण, आकर उसका हाथ पकड़ाया, बोला चलो ठाकुर हम पहुंचे देगा। कृष्ण का पार्श्व, पहले हमने बोला आनंदमय भाषा, और आनंदमय आकर जब हाथ पकड़ेगा कैसा लगेगा, पूरा बिल्लमंगल ठाकुर का बॉडी आनंदमय हो गया। बिल्लमंगल ठाकुर सोचता है हम तो बहुत अच्छा अच्छा भंडारा उत्सव में और हाशी मजा का आसर में भी था, पंडित भी है, लेकिन कभी छोटा थे इतना उम्र तक इतना आनंद नहीं आया, हम तो बहुत पार्श्व भी किया, गुरुजन का और दोस्त वोस्त हैं तन है, आनंद हुआ लेकिन इतना आनंद तो नहीं हुआ, ये कौन है।
तो दूसरे हाथ से जो हाथ पकड़ाया उसके ऊपर कृष्ण का हाथ में हाथ देकर देखता है। अभी आंख से तो देख नहीं पाता है, तो हाथ से देख रहा है, स्पर्श करके पता चलता है ये कोमल है ना कठिन है, गर्म है ना ठंड है। तो जब हाथ दिया तो सोचता है कहां चिंतामणि, चिंतामणि को तो कितना बार स्पर्श किया, इतना कोमल नहीं है, आनंदमय भी नहीं है, ये तो आनंदमय लग रहा है, ये कृष्ण छाड़ा दूसरे कोई नहीं है। तो बोला प्रभु जी आप खुद आ गए हमारा लेने के लिए। तब कृष्ण ने बोला देखो जो सब छोड़ के केवल मेरा आशा करता है, जस्यामी अनुगृह्णामि हरिष्येत धनं सुनै, जे करे आमार आश तारे करि सर्वनाश, तथापि ना छाड़े आस उल्टे होइतार दासेर दास। तो हमारा पाने के लिए जो चेष्टा करता है हम उसका तो अवस्था खराब करके छोड़ता है, क्यों परीक्षा तो देना ही पड़ता है, फिर वो हमको छोड़ेगा नहीं तो हम उसका हो जाता है। तो इसलिए तुमका दूसरे चिंता में हम जगा दिया था रोड में, तुम वो भी छोड़ दिया, हमारा भी आंख भी नष्ट कर दिया, तो हम क्या करेगा भाई, तुमको लेकर जाना पड़ेगा अभी। तैसा वृंदावन में पहुंचाया, लेकिन भगवान का कृपा से दुनियादारी नहीं देखता, लेकिन जब भगवान आता है भगवान को दर्शन करता है। तो मैं प्रसाद मधुरा कटाक्षई वंशी निनादानुचर विधेयी तई प्रसन्ने कृमिया परेण तज्जा प्रसन्ने कृमिया परेण। ओ बिल्लमंगल ठाकुर बोल रहे हैं प्रसाद मतलब कृपा, तो आपको हमारा प्रति कृपा करने का इच्छा है। तो कृष्ण बोला हाँ इसलिए तो हम आते हैं तुम्हारे। बोले तब हमारे यहाँ बैठ के रहने से नहीं चले। बोले तब क्या करना पड़ेगा, मधुर कटाक्ष सही तुम जिसका प्रति मधुर कटाक्ष करता है वो सब लोग कहाँ है, वो सब ले आओ, अकेला क्यों आया। मतलब राधा कहाँ है और सखियो कहाँ है, और दूसरी बात है वंशी निनाद हो, अरे वंशी तो बजाओ हम तो सुनेगा, ऐसा करेगा तो हमारा इच्छा पूर्ण हो जाए। मतलब सापरिकार अब आ जाए और वंशी बजाए और यहाँ नृत्य गीत करे लीला करे जिसका नाम है रास, ये हमारा सामने करके देखा हो भाई, हमें इतना कष्ट करके आया है। तो आप प्रसन्न होने से ये हो सकता है, और आप प्रसन्न नहीं हो तो ब्रह्मा विष्णु शिव और पूरा जगतवासी प्रसन्न होने से हमारा क्या लाभ। तो
भगवान ने बोला अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, तो भगवान उसका कृपा किया विल्लंब ठाकुर को। तो इसका नाम है प्रेम, प्रेमे कृष्णा साधन होइले भवो नाश आय। ऐसा प्रेम से कृष्ण जो सेवा रस, कृष्ण जो दर्शन रस, कृष्ण का जो पर्शन रस, ये किसी का हो जाए तो उसका संसार दोषा नाश हो जाए। ये समझाने के लिए स्टोरी हम सुनाए। ऐसा इच्छा होना चाहिए। कृष्ण तो पुरस्कार बोला है, तुम तो इच्छा करो काम तो हम कर देगा। इसका नाम है जे जाता मन प्रपद्धति। तो तुम प्रपन्न कैसा होता है एक तो ठीक कर लो और पक्का भाव से हो जाओ, जो करना है हम कर देगा। लेकिन हम लोग का तो चंचल स्थिर नहीं है, तो इसीलिए सब गड़बड़ होता है। दरिद्र नाश भव खाय प्रेमेर पाल नाय, प्रेम सुख भोग मक्र प्रयोजन हाय। तो दूसरी बात है, दरिद्र का नष्ट हो जाए तो जब युधिष्ठिर महाराज को राजा कर दिया, महाभारत का युद्ध खत्म हो गया, युधिष्ठिर महाराज भारतवर्ष का सम्राट हो गया और शत्रु को नहीं है, सब शत्रु को मार दिया, तब कृष्ण बोला है अभी निष्कंटक राजत्व करिए और हम बहुत दिन आया है अभी द्वारका ही जा रहा। तो कुंती देवी ने रोने लग गया, बोले क्यों रहता है? बोले कृष्णा वो हमारा वनवास था और दुख था कोई अच्छा था। बोले कोई मांगता है वनवास दुख कोई अच्छा है? आप क्या बोल रहे हैं, इसमें क्या अच्छा है? बोले उस समय हम लोग का शत्रु था, विपद था, और जब विपद पड़ता था ही कृष्ण बोले रोने से आवाज आता, आपका दर्शन मिल जाता। अभी तो विपद नहीं है, डालने से तो नहीं आएगा। बोला अभी कोई असुविधा नहीं है, अभी शांति से रहो, हम अभी दारोगा तरह काम करते हैं। तो हमारा नुकसान हो गया, इसलिए वो विपद विपद नहीं है, वही संकट है जिससे भगवान का दर्शन मिलता है। एक कुंती देवी ने मांगा हम लोग का विपद दीजिए प्रभु जी, संपद नहीं चाहिए। तो यहां बोलते हैं दारिद्रता नष्ट हो जाए, संसार दोषा नष्ट हो जाए, ये प्रेम का फल नहीं है। वो जो पहले हम लोग पढ़ा है शालक्य सामीप्य शास्ति सारुप्य, ये तो वैकुंठ जाता है, तो ये लोग का तो संसार दोषा नष्ट हो जाता है। लेकिन प्रेम आस्वादन नहीं होता है वहां, तो इसलिए हमारा संसार दशा रहे और भव संसार में रहना पड़ेगा, जो होगा होगा, इसमें हमारा कोई असुविधा नहीं है। प्रेम सेवा चाहिए है? तुम्हें तो आमार आमी तो तुमार की काजय परु धनी, भक्तिविनोद ठाकुर ने लिखा। तुम मेरा है और मैं तेरा है, बस और क्या चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। ऐसा भाव होना चाहिए। हम लोग का हो गया क्या, कृष्ण छोड़ के दूसरे को ही मेरा हो गया,
तो बोलता है नहीं नहीं महाराज जी, हम लोग तो घर बाड़ी छोड़ के मठ में आ गया, हमारा मेरा कहाँ से रहे मोबाइल मेरा है। बोले मेरा तुम्हारा शरीर है, शरीर ही तो सबसे बड़ा हुआ है। हाँ शरीर मेरा है, देह आत्म बुद्धि है विवर्त स्थान, सबसे बुरा चीज है शरीर का, हम सबसे खतरनाक है शरीर, इससे तो सब शुरू होता है। हाँ तो इसलिए ये खतरनाक जो शरीर है, हम लोग दुख पाता है किस लिए, शरीर के लिए। जीवन यंत्रणामय, मरणे ते सदा भय, बोलो किसे होइयो निरंतर। ये जो पंचभौतिक शरीर है, ये सबसे हमारा बड़ा शत्रु है, ये हमारा कभी अपराध करा देता है, कभी पाप करा देता है, कभी पूर्ण करा देता है, तो सब गड़बड़ कर देता है। इसलिए जितना दिन तक अपना शरीर का प्रति आसक्ति नहीं छोड़ सकेगा, शरीर का मेरा भाव नहीं छोड़ सकेगा, उतना दिन तक हरिनाम शुद्ध नहीं हो सकता। तो यहां जो प्रेम सुख का भोग करने का तागत होने का बात बोल रहा है, तो वो तो स्वरूप सिद्धि हो जाए तब। सेवा साधक रूपे न सिद्ध रूपे न चात्र ही तद भाव लिस्ना कार्या ब्रज लोकानुसार। यहाँ का जो सेवा है, नवविदा भक्ति जो है, ये साधक रूप से ये शरीर से करना पड़ता है, लेकिन ये प्रेम सुख इससे नहीं होगा, उसके लिए और दूसरा तरीका है। महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को बोला था, वो क्या है ना, ब्रजे राधा कृष्ण सेवा मानुषे करिबा। ये शरीर तो जड़ा है, इससे कैसे सेवा होगा, फिर तो करना तो कुछ पड़ेगा, तो ये साधन भक्ति हो गया इसलिए। लेकिन प्रेम भक्ति का समय शरीर क्या करे, दूसरे की लगाना पड़ेगा। भालो ना खाइबार भालो ना पड़ीबा, और ग्राम्य बात्रा ना बोलीबा, ग्राम्य बात्रा ना सुनिबे कने, सुनना मना है बोलना मना है, और करना क्या, चिंता क्या करना ना, अष्ट जाम अष्टकालीन जो सेवा है उसमें लाभ से तो मन वहां लगा। तो वो करते करते जब उसमें साध आ जाए, तब प्रेम सुख भोग आस्वादन हो सकता है। तो हमारा एक भक्त है, नरोत्तम ठाकुर ने लिखा, रामचंद्र संगम आगे नरोत्तम दास, लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर और श्रीनिवासाचार्य श्यामानंद प्रभु, ये तीन प्रचारक है, बराबर है, और रामचंद्र श्रीनिवास आचार्य का शिष्य है। तो रामचंद्र श्रीनिवास का शिष्य है, हाँ, तो श्रीनिवास का शिष्य मतलब उसका मान लो गुरु भाई का शिष्य है, सही है, तो उसको संग क्यों मांगता है, गुरु का शिष्य मिल रहा है, गुरु का संग मिल रहा है,
शिष्य का संग मांगता है। हाँ, मान लो गुरु भाई का शिष्य तो उसका संग मांगता है, भले क्यों ना उसका कुछ गुण है, गुण का आदर है। मनुष्य का आदर नहीं है, गुण का आदर है। क्या गुण है ना, वो मनुष्य राधा कृष्ण सेवा करने का योग्यता है उसका, तो बांग्ला में बांकुरा जिला में बोन विष्णुपुर जाए गए है, वहां का राजा श्रीनिवास आचार्य का शिष्य है, तो वहां श्रीनिवास आचार्य जाना पड़ता था कभी कभी, और वहां भागवत सुनाना पड़ता था, तो ऐसा ही किया एक बार, और ऐसा सुबह ध्यान में बैठा तो 5-6 घंटा हो गया बैठा ही, राजा रानी आया प्रणाम करने के लिए, देखा गुरु जी तो आंख बंद करके बैठा है। जब 5-6 घंटा हो गया वो लोग तो सोचने लगे क्या करे, गुरु जी है कुछ बोल नहीं सकता है, लेकिन गुरु जी का मौन का बाद एकमात्र तो रामचंद्र जानता है और कोई नहीं जानता है। उस समय वहां नहीं था कोई काम में दूसरे जगह, राजा तो लोग भेजा उसको बुलाया, वो तो आ गया, भले प्रभु जी ये गुरु जी ना बैठा सुबह से और अभी तो मान लो 8 घंटा हो गया चुपचाप बैठा है, उठा नहीं, नड़ना नहीं, चलना नहीं, क्या हो गया पता नहीं, तो बोलता हम देख लो, वो थोड़ा आँख बंद करके ध्यान किया, फिर आकर बोला देखो हम दर्जा बंद कर देता है भीतर से, गुरु जी जो घर में है हम भी उस घर में रहेगा, और हम जब दर्जा खुलेगा 2 दिन लग सकता है 3 दिन लग सकता है 7 दिन लग सकता है कोई काम में गुरु जी व्यस्त है, वो काम हम भी हेल करें, लेकिन दर्जा तुम लोग खुलने के लिए चेष्टा मत करो, ठीक है। सब राजी हो गया, दर्जा भीतर से बंद किया और गुरु जी का पास में बैठ गया आँख बंद कर। गुरु जी कहा है किशोरी गोपिका रम्मांग राधिका प्रीति भूषणाम सुंदरी सुकुमार अंगी गुरु धैत प्रजत्न, ये गुरु का सखी रूप का ध्यान, बड़ा सुंदरी है देखने का और शरीर बड़ा कोमल है, राधा जी का चरण दबाएगा तो शक्त होने से होगा, हार्ट होने से नहीं, उसका शरीर भी बड़ा कोमल है, और राधा जी का सेवा में जो दिन रात आनंद लेता है, तो उसका गुरु जी वही ध्यान करते बैठा तो वृंदावन में चल गया, राधा जी का सेवा में लग गया और वापस आया नहीं, ये बोला अच्छा ठीक है हम भी चले, वो भी चल गया गुरु जी के पास जाकर प्रणाम करा, बोला गुरु जी हम आ गया, वो भी सखी रूप में शरीर, बोले तुम आ गए, बोला हाँ, अरे हम तो आया ना आकर यहाँ तो एक काम में फंस गया, श्री राधा जी का बेसर जमुना में गिर गया, अभी मिलता नहीं, सब मिलकर ढूंढते हैं, तो तुम भी आ गए, अच्छा है तुम्हारा दिमाग तो बहुत तेज है, देखो तो ढूंढ के, हम लोग भी ढूंढते हैं, नाक का बेसर गिर गया। हाँ और छोटा चीज है, छोटा चीज है, तो रामचंद्र ने सोचा ये लोग तो मतलब कोई काम में अवहेला नहीं करता है, फांकी नहीं देता है, तो इसलिए ये लोग जहां ढूंढा वहां हम ढूंढेगा तो कुछ मिलेगा, ये लोग जहां ढूंढा नहीं ऐसा जाएगा तो ढूंढ देखना पड़ेगा, तो वो सोच सोच करके घूम घूम करके देखा एक साइड में बहुत पद्म का जल पद्म पानी में होने वाला पद्म वो पेड़ है, और पत्ते पत्ता के ऊपर पत्ता ऐसा ऐसा है, फूल भी फूटा हुआ है, लेकिन वहां कोई गया नहीं, और अच्छा एक जगह में कोई आया नहीं, हम यहाँ ही देखता हूँ, तो वो पत्ता का ऊपर पत्ता है ना, पत्थर ऐसा उठाता है ऐसा करता है ऐसा करता है, देखता है देखता है देखता है 4 घंटा ऐसा देखता, देखने का बाद 3-4 पत्थर है
नीच में पत्थर है, ऊपर में पत्थर है, ये सब जाम है पत्थर का, उसका अंदर घुस गया और उसका हाथ में आ गया। देखा ये तो एक मिला है बेशक, यही है कि नहीं? गुरु जी का हाथ में दे दिया। गुरु जी बोले यही होगा, वो रूम मंजिल का हाथ में दे दिया, रूम मंजिल ललिता का हाथ में दिया, ललिता ने कहा जय श्री राधे, बोले राधा जी का हाथ में दे दिया। राधा जी बोले अरे भाई तुम लोग को 3 दिन द्वारा ढूंढता है मिलता नहीं, आज कैसे मिल गया, कौन पाया? हाँ बोले एक नया दासी आया, नया दासी आया, तुम लोग पुराना है तुम लोग से हुआ नहीं, नया दासी आया और बोले छोटा से है बड़ा सुंदर है, बोले ले आओ उसके, बोला चलो राधा जी तुमको बुलाता है। और उसका कितना आनंद हुआ, वो उसका गुरु जी का पीछे पीछे राधा जी के पास पहुंचाया, राधा जी बड़ा खुश हुआ, बोले अरे तुमने क्या दिमाग लगाया और कहाँ से पाया, कैसे पाया ये बताओ, तो वो सब बताया। तो राजा जी बड़ा खुश हुआ, अपना गले का मुक्ता का हार उसका गले पड़ा दिया, बोले श्री राधा रानी की जय। तो ये है प्रेम सुख भोग, इसका प्रेम सुख भोग बोलता है। वो जो राधा जी का गले का माला उसका दे दिया। और दूसरी बात सिद्ध रूपे न चाक्त ही, वो जो रूप में वहां पंचाया वो सिद्ध रूप है, यहाँ जो रूप था ये साधक रूप है और वहां जो पंचाया सिद्ध रूप है। तो ये सब सुन करके पढ़ करके हम लोग का ऐसा सोचना, तो ये लाइन के लिए अच्छा है। और सस्ते सस्ते जब उसमें मन विवर हो जाया तो भावे ते विवर था कि देखो देखा दे चित्त चोर, भाव में विवर हो जाए तो चित्त चोर दर्शन दे देगा। ये चैतन्य महाप्रभु हम लोग को सिखाने के लिए चेष्टा कर रहे हैं, इसलिए हम लोग सब चैतन्य महाप्रभु और चैतन्य महाप्रभु का पार्षद का पाठ चिरऋणी है। वो लोग हम प्रति कृपा करे हम लोग का प्रति, हम लोग धीरे धीरे उन लोग का चरण में पहुंचे जाए और सेवा मिल जाए। बोलो श्री सचिनंदन गौर हरि की जय, श्री नवद्वीप धाम की वंचा कल्पतरु वैष्णव कृपा सिंधु पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। बोलो भक्ति वेदांत जनार्दन महाराज की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 Rama